बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पुलाव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बशर्ती का आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अफगानी पुलाव बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ा ही मजे का बनता है। तो आइए देखते हैं ये मजेदार सा अफगानी पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, और अफगानी पुलाव की अल्हम्दुलिल्लाह देख पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है प्याज काट लेंगे। प्याज जो है ये 2 किलो लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी जान ने ऑर्डर किया था कि घर पे ही कुकिंग करनी है, बाहर नहीं जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी गंदम भी कट जाएगी। और जहाँ पे किचन है हमारा, वहाँ पे छांव है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ पे कुकिंग की जाएगी। आज अम्मी जान ने बाहर नहीं जाने दिया, तो घर पे ही देख बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। 10 किलो बीफ लिया और बीफ की बड़ी बड़ी बोटियां जो हैं वो करवा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गोश्त को धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 लीटर कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो प्याज डालेंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्याज भून रहा है। और इधर 1 किलो बादाम गिरी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें पानी में भिगो देंगे ताकि इनका छिलका जो है वो उतर सके, और इन्हें धूप में रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है सुनहरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे। नमक आपने अपने हिसाब से डाल लेना है, हसबे जायका। और 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 6 लीटर जो है वो पानी डाला है। और अब बिल्कुल दरमियानी आंच पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर से ढक के तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे तक गोश्त को पकाएंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चेक करते रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक गोश्त पक रहा है तब तक दूसरी तैयारी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का हिसाब लगा लेंगे। एक, क्योंकि जब पानी लगाना है ना तो फिर चावलों का पता होना चाहिए, बर्तन के हिसाब से फिर पानी लगा लेंगे। 2, 3 तकरीबन 4 बाल्टियां जो है वो चावल हैं। और चावलों को धो भी लेंगे और पानी लगा देंगे।
तो ये चूंकि पुराने चावल हैं, पुराने चावल जब भी पकाएं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ज़रूर भिगो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल धो दिए हैं और अब यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। ये 1.5 से 2 घंटों में जो प्याज है ये भी इसमें बिल्कुल घुल जाएगा और गोश्त भी अच्छी तरह पक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर सबसे पहले गाजरों का छिलका उतार लेंगे। तो इसी तरह वक्फे वक्फे से गोश्त को चेक भी करते रहना। तकरीबन ये साइज जो है ये एडजस्ट हुआ है। तो एक साइज की गाजरें जो है वो काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो हैं कट गई हैं और 2 किलो गाजरें ली हैं। गोश्त चेक कर लेंगे गल गया कि नहीं। अभी थोड़ी कसर है तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है, 15 मिनट के लिए और पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बादामों के छिलके जो है ये उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है अच्छी तरह गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो 3-4 ये वाली 4 बाल्टियां जो है वो चावल हैं और 5.5 बाल्टियां जो है वो पानी लगाएंगे और आधी बाल्टी जो है वो पहले से इसमें थी 5 और ये आधी बाल्टी 5.5। ऊपर से ढक देंगे और पानी में उबाल आने के बाद भी तकरीबन 15 मिनट जो है इसे पकाएंगे, फिर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल निचोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, पिसा हुआ जीरा। एक मुट्ठी भर के पिसी हुई काली मिर्च डाली है और 1 मुट्ठी भर के ही पिसा हुआ जीरा। ऊपर से ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है दम पे आ गए हैं, गाजरें डालेंगे ऊपर। दो किलो गाजरें हैं, एक किलो किशमिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी काली किशमिश डाली जाती है अफगानी पुलाव में, वो मुझे मिली नहीं तो ये आम जो दुकानों से मिल जाती है ये डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम, आधा किलो बादाम अभी डाल लेंगे और आधा जो है वो बचा लेंगे, बाद में डालेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पुलाव तो बाकी के बादाम भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें गोश्त जो है कितनी अच्छी तरह पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदके जान चाचू, चाचू सदके जान, चाचू सदके जान, सदके चाचू सदके जान। चाचा हड देना सदके सदके सजा दी थी। आजो आजो जल्दी आजो जल्दी आजो, कोई रह गया तो जल्दी आजो। शाबाश सदके मेरी शहजादी धी आई है। चलो ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, चलो भाई आजो आजो आजो, कोई रह गया तो जल्दी आजो। सदके लो जी लो, कोई रहना नहीं चाहिए। जान चाचू मेरी शहजादी धी लेट हो गई है। बिस्मिल्लाह चाचू मेरा चाचू सदके जान लो।